मज़ीद वीडियो फुटेज कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे दिल में ये बात आई है कि अल्लाह जब चाहता है अपनी मशीयत से करता है, जो लेजेंड ने क्लेम कर दिया सो कर दिया, अब जो अल्लाह कर रहा है उसको दिखाओ इन्हें। मौसम काफ़ी देर से ठंडा पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, एक्सपेक्टेशन तो यही चल रही होगी बारिश हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है वो दिखाओ इनको कि सूरज कैसे निकल के आ चुका अचानक और मौसम में तब्दीली कैसे आ रही है। शो देम द पावर ऑफ अल्लाह, हाउ ही कंट्रोल्स द सन एंड हाउ ही इंक्रीज द हीट एंड हाउ ही डिसअपीयर्स द क्लाउड्स। सो लेट्स सी कंटिन्यूड फुटेजेस। हाँ, अल्लाह ने 10 मिनट में वो मंजर नहीं दिखाया जो उसने एक मरतबा लेजेंड को दिखाया था, लेजेंड ने उसके सबूत डाले हुए सोशल मीडिया पर, वो इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारेकल था, एक अल्लाह के हुक्म से हुआ था, अल्लाह ही ने दिखाया। और अब जो वो दिखा रहा है वो लेजेंड फुटेजेस बना रहा है, ये HD क्वालिटी वाली नहीं है, ये कंटिन्यूड फुटेजेस है। वही वक्त है, वही दिन है, कोई तब्दीली नहीं करता लेजेंड, रियल फुटेज बनाता है। मारेकल तो उसका बादशाह दिखाता है ना, कहते हैं खुद ब खुद होता है, खुद ब खुद होता नहीं है ना, छोटे खुदाओं के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, असली खुदा कंट्रोल करता है मौसम को। वो देखो बादशाह ने हीट बढ़ा दी, गर्मी बढ़ा दी है सूरज में, मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है लाहौर का, पता नहीं महकमा मौसमियात वाले क्या बोलेंगे। अल्लाह जो चाहे सो करता है, किसी के बाप का राज नहीं चलता अल्लाह पर, किसी के बाप का कंट्रोल नहीं चलता अल्लाह पर, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अगर लेजेंड के इख्तियार में होता ना, उसी 10 मिनट में पूरा आसमान साफ कर देता, नहीं लेजेंड वेट करता है और 10 मिनट के अंदर अल्लाह ने स्टार्ट शुरू कर दिया था दिखाना, इसलिए तो अगली फुटेजेस बना रहा है। वो अल्लाह ही की इशारे पे जो बात उसके दिल में आई है दिखाओ ना इन्हें, कर क्या रहा है बादशाह मौसम के साथ। हाँ जी, बाकी आसमान भी तो दिखाते रहे, जरा हो क्या रहा आसमान पे, हाय ये क्या हो गया, पूरे लाहौर शहर पे ढके ढके बादलों के साथ ठंडे मौसम में गर्मी कहाँ से आ गई। कोई तो है मौसम को जो कंट्रोल कर रहा है, मैं तो नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल में होता तो पता नहीं क्या क्या होता था, कोई तो कंट्रोल कर रहा है, कुछ तो दिखा रहा है वो। हाँ भाई, वो खुद ब खुद वाले और वो हाँ बना रहा हूँ ये अल्लाह, आज फुटेज बन रही है, ईद ईद का दिन है आज, ये ईद का तोहफा है अल्लाह की तरफ से, वायदा मर्सी ऑफ अल्लाह, मुझे तो बड़ा यकीन है, मुझे बड़ी उम्मीद भी है, यकीन भी है कि अल्लाह की तरफ से मेरी ईद का तोहफा है। ईद के दिन छत पे आया था, देखो हो क्या रहा है। होए 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 या अल्लाह, बारिश की उम्मीद में लोग शायद बैठे हो, ठंडा मौसम है बारिश होएगी, यहाँ तो गर्मी होना शुरू हो गई है, वैसे लाहौर शहर में बड़ी गर्मी चल रही थी। चलें कोई बात नहीं, सर्दी गर्मी तो सब दुनिया का इम्तिहान है, इनको पता रखना चाहिए ना अल्लाह वाहिदुल कहार है, जब वो कहर बरसाता है तो क़यामत के दिन भी कैसी गर्मी होगी। हाँ हाँ, दुनिया की गर्मी भी इनको भुगत लेनी चाहिए थोड़ी, शायद कि अपनी अकल से काम लें। मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ कैमरा ही ऑन करता हूँ ना, सारे कमालात तो आप दिखाते हैं आगे से, जब चाहते हैं तब। मौसम गरम हो गया है अल्लाह के हुक्म से, मेरा बादशाह कुछ तो कर रहा है आसमान के सर पे। हाय, कहते हैं कि खुद ब खुद होता है, क्या हुआ 10 मिनट से ही काम शुरू हो गया। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द वेदर वंस अगेन सो क्विकली। सूरज पे इसलिए रख लूँ ना कि देखो सूरज का बादशाह क्या कर रहा है, कहता हूँ सूरज का बादशाह कोई, सूरज को हनुमान ने खा लिया था, कहते हैं ये कहते हैं, अबे कोई हनुमान ने नहीं खाया, हाँ हनुमान कहाँ से सूरज खाएगा, उसकी औकात नहीं है,
उसकी हैसियत नहीं है अल्लाह के मुकाबले पर। लेजेंड के बादशाह से टक्कर लोगे, वो ये इख्तियार देता ही नहीं किसी को जो वो ना चाहे। उसकी सल्तनत है, उसकी बादशाहत है। हाय हाय, नेचर का मंजर एंजॉय करो। जब तक बादशाह अपना काम कर रहा है, शहर के माहौल में तंग ना आ गए हो ना। गाड़ियां, शोर शराबे, सोशल मीडिया, इंटरनेट। हाँ, सोशल मीडिया पे ही देखोगे, ये भी सोशल मीडिया पे देखोगे। क्या करे, जदीद दौर है, कैमरों में रिकॉर्डिंग करके दिखाना पड़ता है। हाय 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 हाय, ओरे दादा, एक तरफ के मंजर तो बहुत ही तब्दील हो गया है, दिखाना ही पड़ेगा। ओ देखो जरा, एक तरफ का तो मंजर बहुत तब्दील हो चुका है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू इन एडवांस। अभी तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बहरहाल, सो शायद कोई अकल यूज कर ले। जो नहीं करेंगे वो फिर ये कहेंगे अब खुद ब खुद हो गए, ये तो होता ही रहता है नेचर में, ऐसे थोड़ी हो जाता है नेचर में। बहुत पहले भी बहुत देर से हो जाता, वरना लेजेंड के कैमरा ऑन करने के बाद ही क्यों हुआ ये सोचो। विद इन 10 मिनट स्टार्ट हो गया था प्रोसीजर, उसका सबूत फुटेज पे मौजूद है, कहने की जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ। ये इतनी आर्मी का लश्कर, ये भी आ गया, ये विटनेस आए, तुम सभी विटनेस हो, तुम सब विटनेस बनो। तुम्हें भी तो अल्लाह ही कंट्रोल कर रहा है, कौन थामा हुआ इनको, आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह थामा हुआ इनको। कोई गैर मुस्लिमों का झूठा खुदा कंट्रोल नहीं करता, ये अल्लाह के कंट्रोल में, ये सब अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह इनको थामा हुआ, अल्लाह ही इनको लाता है, अल्लाह ही इनको ले जाता है। किसी का कंट्रोल अल्लाह के सिवा इन पे है नहीं। दिस इज द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, दीज आर द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। अल्लाह अपने क्रिएशन से जब चाहता है अपने नाम की तस्बीह करवाता है और सुनवाता है, और जो कैमरों पे रिकॉर्ड करवाता है, जिसके सबूत है गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पर। आठ मिनट, वाओ, इतने सारे आसमान पे इतना सारा फर्क आ गया है। माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, हसबुनल्लाह व निअमल वकील। My Lord is enough for me. Allahu Akbar. Thank you so much, the Almighty Holy King of Universe. आपने मौसम तब्दील कर दिया, काफ़ी है। गर्मी आ गई, ये भी काफ़ी है। सूरज सामने आ चुका, तपिश बढ़ गई, ये काफ़ी है। अभी तपिश इनको फील तो होगी नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी तो है नहीं के, और वो भी उनके सेंसर्स के साथ, कि ये लोग फील कर सकें। फीलिंग तो मुझे आ रही है, मंजर ये लोग देखेंगे। और मुझे इनके साथ फजूल में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इतने मैंने सबूत दिखाए, इतने आपके मारेकल जो है ना वीडियो फुटेज बना बना के डाले ये, लेकिन ये अकल के अंधे जो लोग हैं ना दुनिया के, या अल्लाह ये लोग मान नहीं रहे आपको खुदा। आपने इनको कोरोना के ज़रिए मार्क लगा के दिखाया, सैलाब भेजा, आंधी तूफान भेजे। अभी 2000 से लेके सन 2000 से अब तक में एशिया में इतना बड़ा आंधी तूफान, जलजले चले, स्टॉर्म था, तबाही बर्बादियां हो गई, इनको तब भी समझ में नहीं आया कि कौन आया। लेजेंड ऑफ अल्लाह, वेद अल्लाह वाहिद अल कहार इन द 21st सेंचुरी।